अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम तैयार करेंगे ईद स्पेशल मटन चाप फ्राई, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। जैसे कि आप देख सकते हो चाप कितनी अच्छी तरह फ्राई हुए, बहुत ही टेस्टी, खाने में भी लाजवाब और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1.5 किलो चाप लिए, उस तरह के हमें चाप मैंने इसे अच्छी तरह धोकर साफ कर लिया है। अब एक कुकर में हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, उसमें 2 इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 से 4 लौंग। अब इसके अंदर चाप ऐड कर देंगे। चाप हमें परफेक्ट तरीके से उबालना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 ग्लास पानी। हमारे चाप अच्छी तरह गल जाए इतना पानी चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाकर हम 3 से 4 सीटी लेकर अच्छी तरह उबाल लेंगे। अब एक बाउल में हम 4 चम्मच चावल का आटा लेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो मैदा या कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हो। 4 चम्मच बेसन का आटा, उसमें 1 कप दही ऐड करेंगे। हमारे चाप ज़्यादा है इसलिए पूरा 1 कप दही लिए। और उसमें 1 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट, 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 1 चम्मच लाल तीखी मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये होममेड लहसुन की मिर्ची है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, ये भुना जीरा पाउडर, और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, और नमक टेस्ट के हिसाब से। अब ये टिक्का मसाला है, ये कोई भी चिकन शॉप में आसानी से मिल जाता है, ये 2 चम्मच, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छा सा, हमारे चाप अच्छी तरह कोट हो जाए इस तरह तैयार कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो परफेक्ट तरीके से हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब उसमें हम ऐड करेंगे 1 नींबू, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी चाप भी हमारे अच्छी तरह उबल चुके हैं परफेक्ट तरीके से। अब उसमें हमारे चाप लेकर इसमें इस तरह हम कोट कर लेंगे, थोड़ा झटक कर एक प्लेट में निकाल लेंगे, दूसरा भी हम उसमें डालकर अच्छी तरह डिप करके निकाल लेंगे। ये चाप खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे, ऐसे चाप फ्राई तैयार होंगे। अगर आपका बैटर बच जाता है तो आप सिर्फ उबला हुआ गोश्त भी इसमें डालकर फ्राई कर ले तो भी आपके बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। अब ये सभी मैंने अच्छी तरह कोट कर लिया, इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे, अगर आप चाहो तो ओवरनाइट भी रख सकते हो। अब एक कढ़ाई में तेल ले लिया, तेल हमारा मीडियम गर्म हुआ है, अब उसमें हम हमारे चाप ऐड कर देंगे। हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। अब 2 से 3 मिनट तक एक साइड से अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे चाप अच्छी तरह फ्राई हुए, अब हम उसे आराम से पलट देंगे, इस तरह आराम से पलट देंगे।
कितना अच्छा कलर आया है चाप का। अब इसे दूसरी साइड से भी हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। हमारे चाप अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, उसे हम निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह हम चाप फ्राई हो गए हैं। इसी तरह सभी चाप को हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। दूसरे भी चाप इसमें ऐड करके इसे भी हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तैयार हो चुके हैं हमारे मटन चाप फ्राई, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।